जय हिंद दोस्तों। आज हम जिस रिक्रूटमेंट की बात करेंगे वो आईटीबीपी की ओर से बंपर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहाँ पर दी गई है। अगर मैं आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दिखाऊँ तो आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आईटीबीपी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस भर्ती के लिए जो आवेदन करना है, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। आप यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी देख सकते हैं, जहाँ से आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आवेदन करना होगा। आपको यहाँ पर टोटल 800 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। सभी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करेंगे वो आईटीबीपी की ओर से कांस्टेबल के पदों पर नई भर्ती का नोटिस जारी हुआ है। आपको यहाँ पर 800 प्लस वैकेंसी भी दी गई है। कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जानकारी इनको देनी होगी, सभी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। तो वीडियो कंप्लीट जरूर देखेगा। अगर आप हमारे ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और अगर हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको जो यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी, टोटल जो वैकेंसी होगी 819 वैकेंसी दी गई टोटल, यानी कि 800 प्लस आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी। जो पोस्ट नेम हुआ कॉन्स्टेबल मेल और कॉन्स्टेबल फीमेल के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। इस टेबल में उसकी जानकारी दी गई है, आप यहाँ पर भी चेक कर पाएंगे। मेल कैंडिडेट के लिए आपको जो टोटल वैकेंसी होगी 697 वैकेंसी होगी, और फीमेल के लिए आपको यहाँ पर 122 टोटल वैकेंसी दी गई है। अप्लाई मोड जो होगा ऑनलाइन मोड से आपको यहाँ पर केवल और केवल इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। हो कैन अप्लाई तो ऑल इंडिया वैकेंसी होगी। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। जॉब लोकेशन एग्जाम सेंटर जॉब करेगा ऑल ओवर इन इंडिया, यानी कि पूरे भारत में वो कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें, यानी कि जो आपके यहाँ पर हाइट रहेगी, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी। आपकी जो हाइट रहेगी मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है, यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 162 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट है, तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। और अगर आपको ये मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है, तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर देना डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। आपको जहाँ पर रनिंग टेस्ट कंप्लीट करना होगा, यानी कि आपको जहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 7.5 मिनट का समय दिया गया है। इसी प्रकार से फीमेल के लिए 800 मीटर के लिए आपको यहाँ पर 4 मिनट 45 सेकंड का समय आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर हम इस भर्ती के पे स्केल की बात करें, यानी कि जो आपको यहाँ पर वेतन दिया गया है, यानी कि आपको जो सैलरी मिलेगी 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी मिल जाएगी, यानी काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर वेतन भी मिल जाएगा। एप्लीकेशन जो फीस रहेगा UR जनरल OBC के लिए 100 रुपये रहेगा। SC ST फीमेल कैंडिडेट बिल्कुल फ्री में आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। और आपको फीस पेमेंट करनी होगी वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंक या फिर बैंक चालान द्वारा ही आप यहाँ पर इनको पे भी कर पाएंगे। आपका जो यहाँ पर एज लिमिट रहेगा UR और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 23, OBC कैटेगरी के लिए 18 से 26, SC और ST कैटेगरी के लिए 18 से 28। जो एज काउंट की जाएगी वो 1 अक्टूबर तक की जाएगी, यानी कि 1 अक्टूबर को आपके जन 18 से कम हो न 23 से ज़्यादा हो, यानी कि जो आपको यहाँ पर एज में छूट दी गई है, SST वालों को 5 ईयर दी गई है, OBC वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस भर्ती के फिजिकल टेस्ट की जानकारी मैं आपको पहले दे चुका हूँ। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। इस भर्ती का जो सिलेबस होगा, यानी कि आपको जो एग्जाम पैटर्न होगा, टोटल आपके यहाँ पर 4 सब्जेक्ट आएंगे, चारों के चारों सब्जेक्ट यहाँ पर, इनमें से 4 सब्जेक्ट में से यहाँ पर 1 सब्जेक्ट 15 नंबर का होगा। चारों सब्जेक्ट में से आपके यहाँ पर 2 सब्जेक्ट 10 10 नंबर के होंगे, और 2 सब्जेक्ट यहाँ पर 15 15 नंबर के रखे गए हैं। यानी कि आपको जो क्वेश्चन होंगे 150 क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपके यहाँ पर टोटल चारों सब्जेक्ट में से यहाँ पर 2 सब्जेक्ट आपके यहाँ पर 10 10 नंबर के होंगे, 2 सब्जेक्ट यहाँ पर 15 15 नंबर के रखे गए हैं। यानी कि आपको टोटल जो क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे, और टोटल आपको जहाँ पर एग्जाम होगा वो 50 नंबर का आपके यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। ड्यूरेशन आपके यहाँ पर 1 घंटा होगा, यानी कि 60 मिनट आपके यहाँ पर एग्जाम चलेगा। ऑफलाइन आपके यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा, यानी कि OMR बेस्ड आपके यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। आवेदन करने के लिए, यानी कि ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए, डॉक्यूमेंट की जरूरत आपको यहाँ पर देनी होगी। सबसे पहले 2 फोटो की जरूरत रहेगी, जिनका बैकग्राउंड यहाँ पर लाइट कलर का होना अनिवार्य है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सभी जानकारी देनी है। कास्ट सर्टिफिकेट देना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड मस्ट इन, आधार कार्ड आपको देना ही देना होगा। जो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा ये OBC SC ST EWS कैंडिडेट को देना होगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपको UR और जनरल कैटेगरी में काउंट
किया जाएगा। अगर हम इस भर्ती के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सबसे पहले आपके यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, यानी कि आपके यहाँ पर लिखित परीक्षा ली जाएगी, उसके बाद से फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फाइनल मेरिट आपके यहाँ पर बनाई जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने सिंपल 10वीं पास किया हुआ तो भी आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। आवेदन करने के लिए जो भर्ती की इंपॉर्टेंट डेट रहेगी, 1 अक्टूबर तक आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन मोड से आवेदन कर पाएंगे। 2 सितंबर को यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो आवेदन करने के लिए आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप गाइड भी किया, कैसे आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना है वो आपको यहाँ पर सभी जानकारी रीड कर लेनी है। उसके बाद से आपको यहाँ पर नीचे लिंक मिलेगी, आपको यहाँ पर ऑनलाइन मोड से आवेदन करने के लिए पहले लिंक पर क्लिक कर देना है। तो आपके सामने यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट जानकारी देनी होगी, जैसे कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसी प्रकार से आपको यहाँ पर ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, न्यू पासवर्ड आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। 101 क्वेश्चन या भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पर देनी होगी। ये क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछा गया कि अगर आपने यहाँ पर अपनी आईडी फॉरगेट आपने कर दी, भूल गए हैं, तो उसको फाइंड करने के लिए आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन वहाँ पर पूछा जाएगा। उसके बाद से आपको यहाँ पर कैप्चर कोड आपके सामने हर बार नया आएगा, वो आपको यहाँ पर इसमें फिल करना है और सबमिट पर क्लिक करके आपको का फॉर्म फिल कर लेना है। अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूं किस प्रकार से आवेदन किया जाएगा, लेकिन कम से कम उस वीडियो पे 300 प्लस लाइक आ जाते हैं तो मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूं किस प्रकार से आपको अपना आवेदन फिल करना होगा, और उस वीडियो का लिंक आपको यहां पर मिल जाएगा, आप यहां से वो वीडियो भी देख पाएंगे। फुल नोटिफिकेशन का लिंक आपको यहां पर दिया गया, तो जैसे आप यहां पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने यहां पर इस भर्ती का फुल नोटिफिकेशन भी आपके सामने आ जाएगा। आईटीबीपी की ओर से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, ऑल इंडिया वैकेंसी आपको यहां पर मिल जाएगी। आपको जहां पर वैकेंसी दी गई है कांस्टेबल के लिए आपको यहां पर वैकेंसी मिलेगी, आप यहां पर भी चेक कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड से आपको यहां पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना, आपको यहां पर नोटिफिकेशन में बताया गया है। अगर आप यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहां पर इस भर्ती के एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी दी गई है, आपको यहां पर इस भर्ती फिजिकल टेस्ट की जानकारी भी नीचे मिल जाएगी, आप यहां पर चेक कर पाएंगे। अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर है तो भी आप यहां पर इस भर्ती के लिए भाग ले पाएंगे। जो आपकी रनिंग टेस्ट की कम जानकारी रहेगी वो आपको यहां पर चेक करनी होगी। इस वाले टेबल में आपको यहां पर अपनी फिजिकल टेस्ट की जानकारी आपको यहां पर देख लेनी है। कंप्लीट जानकारी वैसे मैंने दे दी है, अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।